vedere. Hey guys, this is Manshuar and you are watching my YouTube channel Mr. Nonsense Experiment. तो guys, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा मिनी थिएटर बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि हमारे घर में अक्सर होता है हम मोबाइल चलाते हैं तो बहुत डिस्टर्बेंस होती है, हमारे कभी कभी तो दोस्त ही आ जाते हैं. तो guys, इसके लिए हम वो बनाते हैं मिनी थिएटर. तो guys, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसा है. ये कुछ इस टाइप के कार्डबोर्ड से बनेगा, जितना बड़ा हो सके आप उतना बड़ा कार्डबोर्ड लीजिएगा ताकि आपको अंदर कंफर्ट फील हो. और ये मेरा बना हुआ रखा है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं. तो आज मैं ऐसा ही आपको बनाना सिखाऊंगा. तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं. गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कार्डबोर्ड ले लिया है, मैंने जो इसकी एजेस हैं इन सबको फोल्ड कर लिया है. आप भी ऐसे कर लें और जितना बड़ा हो सके आप उतना बड़ा कार्डबोर्ड लीजिएगा तो वो ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल होगा. और मैंने इधर अपने चेस्ट के हिसाब से मार्किंग कर ली है, आप भी ऐसे कर लें. और फिर इसको हमने काट लेना है और थोड़ा सा इधर से गैप रखना है हमने ताकि इसको फोल्ड कर पाए. तो चलिए काट लेते हैं. गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा इधर गैप छोड़ा है काटते वक्त, थोड़ी सावधानी करके ताकि आपका हाथ ना कटने पाए. तो अब इनको यूँ फोल्ड करके चिपका लेंगे हम इन सबको ताकि थोड़ा सा कंफर्ट फील हो अपने को. तो चिपका लेते हैं. गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसकी एजेस जो हैं सब एजेस फोल्ड कर लिए हैं. और मैंने यहाँ पे दो कार्डबोर्ड्स लिए हैं जिनको मैंने जिन पे अपने मोबाइल का साइज़ बना लिया है. जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरे मोबाइल का साइज़ है. आपका जो भी मोबाइल हो आप अपने मोबाइल के हिसाब से साइज़ काट सकते हैं. और इधर जो है हमारे मोबाइल के बराबर मोटा इधर गैप छोड़ना है, उतना ज़्यादा जितना भी आपका मोबाइल हो अपने मोबाइल के हिसाब से आप गैप छोड़ सकते हैं. तो इसको हमने फिर ले लेना है और फिर एक और इसके ऊपर जो है मार्किंग कर लेना है मोबाइल के साइज की, जैसे ये किए हमने. तो कर लेते हैं और इसके ऊपर लगभग इतना गैप आपने छोड़ देना है बिकॉज ये वापस इधर टच होगा. तो कर लेते हैं. और गाइस, जो है इधर हमारे मोबाइल के स्क्रीन के बराबर का हमें एक होल कर लेना है बिकॉज इसमें हमें सब कुछ देखना है, वीडियो चलाएंगे तो उसके लिए हमें आसानी हो. तो गाइस, कर लेते हैं, दोनों में ऐसा कर लेना आपको. तो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे ये दोनों टेम्पर्ड मोबाइल के बन चुके हैं, दोनों कवर जो हैं वो बन चुके हैं. और मैंने ये दो स्क्वायर शेप के पीसेस भी काट लिए हैं कार्डबोर्ड के, ये हमारे काम के, आप भी काट लें. और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ये एक होल किया है इधर, वो ऐसा आपको भी कर लेना है. देन इसमें मैंने एक पीछे नाइल लगाई है जो कि एक इधर से कार्डबोर्ड से कवर्ड है, इधर वो नाइल नहीं दिखेगी जो पीछे है. और जो ये है इसको इस होल से बाहर निकाल लेना है जो नाइल जो है, जिसकी आप देख सकते हैं हमारी नाइल जो हो चुकी है. अब जो ये हमारा कार्डबोर्ड का पीस है उसको इसके ऊपर लगा लेंगे. कर गया. तो गाइस, अब ये हो चुका है, अब इसको ग्लू गन से हम चिपका लेंगे. तो गाइस, ये हमने अब चिपका लिया है. अब हमारा ये जो है वो फ्री मोशन रहेगा, ये गोल गोल घूम पाएगा. इसको अच्छे से पकड़ के रखना ताकि ये टाइटली चिपका रहे. और गाइस, एक यहाँ पे लगा लेना है, इधर जो ये मेरा होल है एक इसमें लगा लेना है, ये वाला, ये
ये इसको भी टाइटली चिपका लेते हैं हम। पूरा आ चुका है, इसको भी जुगन से चिपका लेते हैं। जुगन ठंडी हो चुकी है इसलिए अभी जल्दी काम नहीं कर रहा है। तो गाइस अब हमने इसको अच्छे से चिपका लिया है, अभी हमारा चिपक चुका है। अब ये दोनों रोटेटेबल है तो अब इसको सूख जान देते हैं। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे जो दोनों कवर हैं ये अच्छे से चिपक चुके हैं और ये 360 डिग्री में रोटेट भी हो रहे हैं। और मैंने जो इनके इधर है इस साइड पे कट लगाया हुआ है, बिकॉज मोस्ट ऑफ दी मोबाइल्स में जो कीज रहती है वो इसी तरफ रहती है, तो उसके लिए मैंने इधर दोनों में कट लगा लिए हैं। और मैंने ये एक कार्डबोर्ड लिया है जिसके ऐसे मेजरमेंट, एक पुल वो बनाएंगे हम इससे, तो ऐसे मेजरमेंट लेके मैंने इसके 7 पीसेस एक के बाद एक चिपका लिए इसमें, जिसके आप देख सकते हैं बहुत हार्ड हो चुका है। और ये मैंने एक स्पॉन्ज लिया है, ये पिलो के लिए है, आपने इसको ऐसे काट लें आप, अच्छा मोटा स्पॉन्ज चाहिए रहेगा हमको पिलो के लिए। और गाइस यहाँ पे मैंने लिया है फेविकोल, देन एक स्टेपलर है और ये क्लॉथ है जो पिलो के ऊपर हम चढ़ाएंगे, और ये है कार्डबोर्ड जिससे पिलो को इसमें अटैच करेंगे। तो गाइस चलिए पिलो बना लेते हैं। तो गाइस अब हम इस फोम को इस कार्डबोर्ड पे चिपका लेते हैं। मैंने इस पे फेविकोल पहले से डाल रखा है तो बराबर मेजरमेंट से चिपका लेते हैं इसको। देन अब इसको सूखने रख देंगे। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि ये जो पिलो है वो अच्छे से चिपक चुका है। अब देन हम इसको उल्टा रख देंगे इस क्लॉथ पे, फिर जो ये एक तरफ से क्लॉथ है उसको ले लेंगे, फिर हमको स्टेपलर ले लेना, उसको यूँ खोल लेंगे, फिर यूँ पिंच कर देंगे इसको। तो गाइज अब इस पे पिंचेस लग चुकी हैं, तो अब यहाँ पे हमें इसको टाइट से खींचना है, यहाँ से एकदम टाइटली करके फिर यहाँ से खींच लेंगे। अब इस पे जो है हम स्टेपलर की पिंचेस लगा देते हैं। अच्छे से इस पे पिंचेस लगा देनी है चारों तरफ। फिर ये जो साइड का है इसको भी कुछ इसी तरीके से ले लें। टाइटली खींच लें इसको। गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसकी जो एजेस हैं उसको थोड़ा थोड़ा काट लिया है, बिकॉज इससे हमारा ये अच्छे से नहीं हो पा रहा था, तो हल्का हल्का मोड़ते आते हैं और स्टेपलर पिंचेस ठोकते आते हैं इस पर। थोड़ा सा तेज ऐसे आप ठोकेंगे तो अच्छे से हो जाएगा।
अच्छे से कर लेना है। तो ये शायद हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए ये अच्छे से हो चुका है। अब ये साइड कर लेते हैं, पिंचेस झड़ा लेते हैं पहले इसकी, एक भी पिंचेस नहीं रहने पाए, नहीं बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपके लिए। तो इधर तरफ से भी टाइटली खींच के इसको पिंच कर देते हैं। पिंचेस खत्म हो गई, डाल दिए मैं इधर से भी अच्छे से टाइट खींच के लगा लेना है। मेरा जो स्टेपलर है यहाँ पे कुछ अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो गाइज अब जो हमारी ये पिलो है ये बन के तैयार हो चुकी है, और इसके पीछे मैंने एक कुंदा लगाया है जिससे ये अटैच होगी। इसमें मैंने ये कार्डबोर्ड इधर चिपका लिया है जिसमें ये पिलो अटैच होगी अपनी। तो इसको सिंपली हम इस टाइप से यहाँ पे इसको फंसा देंगे और फिर देखते हैं। अच्छा तो गाइज कुछ इस टाइप से हमारी ये पिलो जो है लग जाएगी, और ये अंदर से कुछ ऐसी दिखेगी। ये कुंदा मैंने इसीलिए लगाया था। तो अब इस बॉक्स को सीधा करते हैं। ये जो है पिलो आप इसको निकाल भी सकते हैं, और ये अब बॉक्स कुछ इस टाइप का देखेगा। जो ये हमारा रहेगा यहाँ से हमें कुछ इस टाइप का व्यू दिखेगा, और जो हमारा ये जो होल्डर है इस पर हम अपना कैमरा लगाएंगे। तो गाइस आई थिंक सो यू लाइक इट एंड यू कमेंट इट एंड यू शेयर इट एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट द सब्सक्राइब बटन। तो इसमें एक बार लेट के तो गाइज इसको एक्सपीरियंस करना मेरे लिए बहुत मज़ेदार है। इसमें बहुत स्पेस भी है, अच्छी स्पेस है, इसमें आपको अच्छी स्पेस मिल जाती है। और यहाँ पे जो हमारे दो दो ये हैं ये हमने दो जगह लगाए। अगर आप ऊपर चाहें तो ऊपर लगा सकते हैं इसको, मोबाइल को अपने ऊपर लगा लें देखना हो तो। बट एक बात याद रखिएगा, जब आप ऊपर लगाते हैं तो ब्राइटनेस एकदम लो पे रखिएगा ताकि आपकी आंखें ख़राब ना हो। मेरे कार्डबोर्ड में स्पेस नहीं थी ज़्यादा, हाइट ज़्यादा नहीं थी मेरे कार्डबोर्ड की, इसलिए मैं नहीं कर पाया। बट आप करिएगा, आप भूलिएगा नहीं। और ये जो हमारा पीछे वाला है ये हमारा, जब आप इस मोबाइल लगाएंगे तो आपको लगेगा जैसे कि कोई आप थिएटर में आए। और आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा घर पर, बहुत प्यारा और बहुत ऑसम ट्रिक है, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है इस पर। और इसकी जो तकिया है वो भी एकदम कंफर्टेबल है, बहुत ये बहुत ज़्यादा ही ऑसम है। तो गाइस प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, आई होप यू लाइक इट। सो द एंड।